दी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस सारा काम हो गया है, नहा लिया है और पूजन वगैरह करके अभी आई हूँ। और ये देखिए मेरे अभी बाल गीले हैं क्योंकि आज बाल धोए हैं, तभी मैंने कंघी करके और क्लेचर लगा लिया है। तो बस अब रह गया खाना बनाना, तो मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं किचन में। और यहाँ से ले लेते हैं पालक। आज हम बनाएंगे पालक की सब्जी। ये देखिए अभी ली है, अभी काटी नहीं है, तो इसको पहले हम काटेंगे। वैसे तो मैं मेथी की भाजी लेने गई थी, लेकिन मेथी की भाजी थी नहीं तो मैंने पालक की ले ली। चलिए पहले हम पालक ही साफ कर लेते हैं और काट लेते हैं, इसके बाद ही आटा लगाएंगे। बहुत दिन से मैंने पालक की सब्जी नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो मेथी की भाजी नहीं है तो आज हम पालक की ही बना लेते हैं। वैसे तो उसको मैं मूंग की दाल, जो हरी दाल रहती है ना मूंग वाली, उसमें बनाती थी, लेकिन अभी उबाली नहीं, उसमें लगेगा टाइम, तो मैं बस ऐसे ही छोंक दूंगी इसको। ऐसी भी मुझे अच्छी लगती है, ना ही मैं इसमें आलू डालूंगी और ना ही मैं इसमें टमाटर डालूंगी, हरी मिर्च डाल के और छोंक दूंगी। आपने देखा होगा मैं कभी कभार बनाती हूँ गीली, उस तरीके की बना रही हूँ। तो बस पालक भाजी कट चुकी है फ्रेंड्स। आटा भी लगा दिया है मैंने, आटा लगा के रख दिया है। मैंने कहा जब तक छौंकूंगी मैं पालक और तब तक आटा अच्छे से फूल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने एक भगोनी रख दी, उसमें रख दी एक गिलास पानी और एक गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई, क्योंकि दोनों गैस पर बनाऊंगी मैं पालक की भाजी। तो मैंने पानी में डाल दिया है नमक और डाल दूंगी हींग, क्योंकि जो भगोनी में बनाऊंगी वो मेरे लिए पालक बनाऊंगी जिस तरीके से मुझे पसंद है। और ज़्यादा है, वैसे तो मैं बस यही सोच रही थी ये वाली पालक बनाऊंगी, लेकिन पालक काटने के बाद मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैंने कहा चलो एक टमाटर डाल के बच्चों के लिए अलग से छौंक दूंगी। तो इसीलिए मैंने एक गैस पर रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल। तेल गर्म हो जाएगा तो बस फिर मैं उसमें डाल दूंगी प्याज, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इतनी बच्चे लोग तो ये वाली जैसे मैं बनाती हूँ ना सादा पालक वो नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उनको इस तरीके की पालक अच्छी लगती है जैसे आलू टमाटर डालकर बनाओ वो बहुत अच्छे से खा लेती हैं। तो मैंने कहा ज़्यादा है तो इन लोगों को भी बना देती हूँ और मेरे लिए बस एक कटोरी ही बनाऊँगी जो अभी मुझे खाना है, क्योंकि इस तरीके की पालक मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। वैसे तो इसमें सौंफ मिली हो ना तो और टेस्टी लगती है, लेकिन ये सौंफ पालक नहीं है, ये सिर्फ पालक ही है। अब सौंफ पालक आएगी तो मैं फिर बना के बताऊंगी, अभी तो मैं बस सादा सिंपल ही बना रही हूँ। ना ही मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ और ना ही मैं अदरक, क्योंकि अदरक तो है नहीं, लहसुन तो है लेकिन लहसुन नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट ली है और कढ़ाई में डाल दी है और यहाँ पर पानी उबलने लगा था तो उसमें डाल दिया है मैंने दो मुट्ठी भर के पालक। तो पालक अच्छे से उबल जाएगी, इसके बाद डालूँगी थोड़ा सा आटा सूखा हुआ,
क्योंकि आटा डालने से बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। और बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है, देखिए थोड़ा सा ही डाला हुआ है आटा। और इसके बाद यहाँ पर प्याज हो ही रही है, प्याज हो जाएगी तो इसमें भी डाल दूंगी मैं मसाला, और उसको मैं हिलाती जाऊंगी क्योंकि नीचे तो पालक हो जाएगी लेकिन जो ऊपर पालक है वो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं नीचे ऊपर उसको करती जाऊंगी। और यहाँ पर डाल दूंगी एक हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च बहुत तीखी आ रही है, इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही हरी मिर्च डाली हुई है। और अभी अदरक नहीं है, नहीं तो अदरक भी इसमें कूट कर डाल देती तो बहुत टेस्टी लगती। और लहसुन मैंने डाला नहीं है, अभी लहसुन आज डाल भी नहीं रही हूँ। और बस यहाँ पर टमाटर काट लूँगी क्योंकि प्याज काट कर मैंने डाल दी है कढ़ाई में, एक टमाटर लेकर आई हूँ तो बस एक टमाटर डालूँगी। तो ये देखिए टमाटर मैंने देख लिया है कि ऐसा नहीं मतलब ख़राब हो, दिखने में तो बिल्कुल रेड रखा है और ऐसा नहीं लग रहा कि ख़राब हो, लेकिन एक बार चेक कर लेती हूँ कि ख़राब है या नहीं, लेकिन टमाटर बहुत अच्छा है तो इसीलिए यहाँ पर बारीक बारीक टमाटर भी काट लूँगी। और यहाँ पर हो रही है जब तक हमारी प्याज, तो ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ मसाला, तो मसाले में वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बस टमाटर डाल दिया है मैंने। और टमाटर तो आपको पता ही है जल्दी से पक जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, तो इसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें नमक। ये देखिए स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है और बस मसालेदानी को रख दूँगी वहीं पर, क्योंकि फटाफट सारा सामान रख देती हूँ तो मुझे फैलाना नहीं लगता है किचन में, नहीं तो बहुत फैली फैली लगती है। यहाँ पर टमाटर भी हो चुके हैं इतने, तो यहाँ पर मैंने पालक भी डाल दी है ये देखिए। और पालक भी होने में टाइम नहीं लगेगा, 5 या 10 मिनट में पालक बनकर तैयार हो जाएगी खाने के लिए। और वहाँ पर हमारा आटा भी लगा कर रखा हुआ है तो रोटी भी सेकने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने पालक और टमाटर को मिक्स कर दिया है, और इसके बाद उस वाली पालक को भी हिला देती हूँ। वैसे वो वाली पालक तो बन चुकी है क्योंकि पालक अच्छे से उबल चुकी है, टाइम नहीं लगता उस वाली पालक में, और इस वाली पालक में भी टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट के लिए मुझे ऐसे हिलाते रहना है और पालक जल्दी से पक जाएगी। तो ये देखिए तो दोनों पालक हमारी जल्दी ही बनने वाली हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी फैल गया है तो उसको भी साफ कर देती हूँ जब तक पालक और उबल जाएगी, फिर इसके बाद मैं रख दूंगी तवा रोटी सेकने के लिए। टमाटर अच्छे से पक चुकी है, बस पालक ही रह गई है तो पालक भी टाइम नहीं लगेगा। और बस यहाँ पर मैंने थोड़े से बर्तन रखे हुए थे स्टैंड में लगा देती हूँ, मैंने ये 2-3 ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सुबह ही लगा दिए थे मैंने सारे बर्तन स्टैंड में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पालक हो चुकी है, मैंने गैस बंद कर दिया, इसको गैस से हटा दूंगी और तवा रख देती हूँ। अब सेकूंगी मैं रोटी, तो आ जाइए जिसको भी गर्मा गर्म पालक रोटी खाना है तो खा ले, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली पालक भी। इसी तरह की बनाती हूँ मैं चने की भाजी, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं फटाफट से रोटी और सेक लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो फुल एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर वैसे पालक की सब्जी दोनों बन चुकी है, वो वाली भी बन गई है, वो तो मैंने हटाई दी है गैस पर से, और ये वाली भी पालक की सब्जी बन चुकी है। तो ये वाला गैस भी अब मैं बंद कर देती हूँ एक बार हिलाकर, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाएंगे फिर अच्छी नहीं लगती है, बस हल्की ही कदर मतलब पकी ज़्यादा अच्छी रहती है और बच्चों को भी पसंद आती है। तो फटाफट से मैं रोटी सेक लेती हूँ, फिर लगाऊंगी थाली। तिवारी जी भी आ गए हैं और वो नहा रहे हैं जब तक मैं सेक लेती हूँ रोटी, क्योंकि गर्मा गर्म सर्दी में अच्छी लगती हैं, तो मैं भी खा लूँगी और वो भी खा लेंगे। बेटी भी आ चुकी है तो उसको भी थाली लगा दूँगी, हम तीनों खा लेंगे खाना। और इसके बाद जो भी बाकी का काम बचा हुआ है वो बाद में करूँगी, अभी तो फटाफट से मैं रोटी सेक लेती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, जब तक मेरी पूरी रोटी सिक जाएंगी और तिवारी जी भी आ जाएंगी। जितनी भी सिकेंगी ना, उतनी ही बाद में गैस बंद कर दूँगी, क्योंकि हम तीनों को ही खाना है और कोई नहीं है घर पर। दोनों बच्चे गए हैं स्कूल कॉलेज, बस हम तीनों घर पर हैं। और फटाफट से मैं अब थाली लगा लेती हूँ, क्योंकि तिवारी जी ने नहा लिया है और थाली लग चुकी है फ्रेंड। तो अब मैं आपसे मिलूँगी खाना खाने के बाद। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है, मैंने तीनों ने खाना खाने के बाद वो लोग चले गए कमरे में और मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि अभी गैस साफ़ नहीं हुआ था, किचन भी साफ़ नहीं हुई है, किचन में भी झाड़ू पोंछा नहीं किया है मैंने। तो वो लोग आ गए थे तो मैंने कहा चलो गर्म गर्म खाना खा लेते हैं, इसके बाद ये काम करूँगी। अभी बर्तन भी रह गए हैं खाना के, उनको भी साफ़ करना है। तो बस सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, गैस पहुँच दूँगी और स्टैंड, और फिर लगाऊँगी झाड़ू। और किचन में पहुँचा तो मेरा किचन का भी सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा तेल वगैरह अगर लग जाता है तो उसको भी मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी लगाए हुए हैं, अगर मैं रोज़ साफ़ नहीं करूँगी तो फिर तेल लग जाएगा और जो निशान रह जाते हैं ना, तो वो नहीं निकलती हैं, तो इसीलिए मैं रोज़ कपड़ा इस पर फेर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा गैस भी साफ़ हो गया है और स्टैंड भी साफ़ हो गया है, रह गया है तो नीचे झाड़ू और पोंछा। तो गैस स्टैंड साफ़ करने के बाद नीचे भी झाड़ू और पोंछा लगा दूँगी, फिर जाऊँगी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बर्तन अभी रोटी के भी रखे हुए हैं, जो सब्जी की कढ़ाई वगैरह निकली थी परात, तो उनको भी साफ़ करना है। अभी कोई भी बर्तन मैंने साफ़ नहीं किया था और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, तो खाना के बर्तन भी रखे हुए हैं फटाफट, तो वो भी साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर गैस भी साफ़ हो गया, स्टैंड भी साफ़ हो गया है और नीचे रह गया तो उसको भी साफ़ करना है। और अभी कुछ सामान लेकर आए हैं तिवारी जी, ये देखिए मूली की भाजी रखी हुई है, इसको भी मुझे काटना है। इसकी सब्जी बनाऊंगी जो भाजी शाम को, इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है मूली की भाजी, मूली की जो पत्ते होते हैं उसकी भाजी। तो बस यहाँ पर मेरा गैस स्टैंड साफ़ हो गया, गैस भी साफ़ हो गया, तो मैं हाथ धो कर आती हूँ। और इसके बाद तिवारी जी लेकर आए हैं कुछ सामान, तो उसको भी मैं डिब्बे में भर दूँगी। ये देखिए हाथ धो आई हूँ मैं, और यहाँ पर लेकर आए थे सेव बनवा कर, तो अभी से वो गर्मा गर्म है तो उनको मैंने रख दिया था, मैंने कहा ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं डिब्बे में रख दूँगी। तो अभी ठंडे हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो इनको डिब्बे में भर कर रख देती हूँ कि जिससे ये सीड़े नहीं और अच्छे बने रहें। तो ये देखिए, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, अगर खुले रख दिए तो अभी ना बिल्कुल नरम हो जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसीलिए मैंने एक डिब्बा भर दिया है। और जो ऊपर रह गए हैं उनको रख दूंगी प्लेट में, क्योंकि अभी बेटा आएगा तो उसको बहुत पसंद है तो वो खा लेगा। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो खाना हो गया है फ्रेंड्स, सारा काम कर लिया है, किचन भी साफ हो गई है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देख लेती हैं टीवी। लेकिन टीवी देखते देखते जिम्मी इतना आवाज़ लगा रही है कि पूछो मत, क्योंकि आज उसको हमने बांध दिया है, तो इस वजह से उसको खोलने की आदत है कि मतलब बनती नहीं है, बहुत कम बांधते हैं। तो बस सुबह से ही बांधा रखा हुआ है, तो इतनी आवाज़ लगा रही है बहुत ज़्यादा। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज भी धूप नहीं निकली बिल्कुल। बैठी हुई है आराम से, इतनी आवाज़ लगा रही बहुत ज़्यादा। चुपचाप बैठी रहा है, मस्ती नहीं, आवाज़ नहीं लगा रही। क्या है क्या है, बैठी रहो ना जिम्मी। जैसे ही मैं जाने को ही वैसे नीचे उतर आई है, क्या है खोल ले, अभी नहीं खोल रहे, अभी तुम पूरा गीली हो जाओगी, इसलिए बांध दिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था तो ये गीली होकर बार बार आ रही, तभी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए इसको बांध के रखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी टीवी देखूंगी, इसके बाद करूंगी आराम। तो आराम क्या, बस लेटूंगी, और तो कुछ ऐसे तो नहीं कि सो जाऊंगी, सोऊंगी तो नहीं, तो
अभी शाम की बज चुकी हैं 4:30, तो अभी सोना तो होगा नहीं, तो बस थोड़ी टीवी देख लूँ, इसके बाद फिर शाम के खाना में लग जाऊंगी। और रूम को भी अंदर बांधना है, उसको भी भूसा रखना है। ये देखी चिल्लाने लगी फिर से, तो बस थोड़ी देख लेती हूँ टीवी, फिर चाय वगैरह बनाने जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर करूंगी एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को राधे राधे, बाय।